अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आशमास किचन। ये वाला नाश्ता अगर आप एक बार ट्राई करेंगे ना, तो समोसे खाना भी भूल जाएंगे, क्योंकि उनको बनाना तो बहुत मुश्किल होता है, बट इसे बनाना बहुत आसान। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 कप आटा है, आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। 1 चम्मच इसमें तेल डालेंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको ड्राई मिक्स करेंगे पहले, और उसके बाद जब ये ड्राई मिक्स हो जाएगा, पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा और इसको नीट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा सा हमने इसको करके नीट कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा देर के लिए ढककर रेस्ट पर छोड़ देंगे, जिससे अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 उबले हुए आलू हैं, इन्हें हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो मैशर की हेल्प से इन्हें मैश भी कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 छोटी सी प्याज कटी हुई, बारीक कटी हुई, हरी मिर्ची और नमक। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे भुना पिसा जीरा, थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला, आधी आधी चम्मच आप ले लें इसको, और हमने 1/4 चम्मच काली मिर्ची और 1/4 चम्मच लाल मिर्ची डाल दी है। और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया इसमें कट करके डाल देंगे। अब ये स्टफिंग को आप इसको मिक्स कर लें, आप हाथों से मिक्स करके इसको तैयार कर लें। बहुत ही बढ़िया सी स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, और बहुत जल्दी से हमारा नाश्ता भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे एक अंडा लिया है हमने, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको आप फेंट लीजिए। तो अच्छे से इसको हमने फेंट लेना है। अब यहाँ पे आटे को देखते हैं कि सेट हो गया है कि नहीं। अब थोड़ा सा इसमें पंचेस लगा के इसको बिल्कुल परफेक्टली सेट कर लीजिए, तो ये स्मूथ हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको एक पूरा ही कंप्लीट हम यहाँ पर ले लेंगे, और इसको बड़ा सा हम इसको बेल लेंगे। तो जितना पतला हो सके आप यहाँ पर इसको बेल सकते हैं, ईजीली रोलर की हेल्प से ये बेल जाएगा। अगर आपका डो अच्छे से तैयार हुआ है तो ये बहुत अच्छी तरीके से रोल हो जाएगा। और अब यहाँ पे इसमें हमने आलू जो स्टफिंग तैयार की है उसको बहुत अच्छी तरीके से फैला देना है, और फिर इसके बाद इसको इस तरीके से रोल कर लेना है आलू के लेयर के समेत। तो इस तरह से जब ये लेयर के साथ हमने इसको रोल कर लिया है, बहुत अच्छे से इसको चिपका लिया है, अब हमने यहाँ पर ऐसे पतले पतले से पीसेस इसके कट कर लेने हैं, राउंड राउंड पीसेस। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में, तो देख रहे हैं ना आप, आएगा ना बिल्कुल समोसे वाला टेस्ट, और मेहनत होगी कम। तो इस नाश्ते को ट्राई करना तो एक बार बनता है। तो इस तरीके से हमने सारे ये पीसेस कट कर लिए हैं। ये कट करने के बाद इनको थोड़ा सा सेट कर लीजिए आप हाथों के हेल्प से, थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप जब इनको डीप फ्राई करें तो ये खुले नहीं। और इसके लिए कि ये बिल्कुल भी खुले नहीं, तो हमने यहाँ पर ये एग बीट करके रख लिया था, और उसके बाद इसको इसमें डिप करें और एक एक करके इसको डालते जाएं। आप इनको डीप फ्राई कर लें और बहुत ही बढ़िया मज़ेदार नाश्ता तैयार करें। एक तरफ से जब ये गोल्डन हो जाएं तब आप इन्हें पलट लें, और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सेक लें। देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये सिक रहे हैं, हल्का सा झाग आ रहा है क्योंकि हमने इसमें अंडा डाला हुआ है। और जब ये सिक जाएगा तो अंडे का टेस्ट ऐसा मालूम भी नहीं पड़ेगा, और अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत बढ़िया तरीके से देखे अपने नाश्ते को सेक लिया है, फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसको चटनी, सॉस के साथ या मीठी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही है तो देरी किस बात की है, फटाफट से इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और ट्राई करने के बाद अपने एक्सपीरियंस को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ये सिंपल एंड ईजी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं, दिखने में ही पता चल रहा है। और ये देखें कितने बढ़िया अंदर से सिके हुए हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि एक बार हाई फ्लेम पे करके इनको लो टू मीडियम पे सेका गया है। तो इसको एंजॉय कीजिए। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।